हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल हेल्थ ग्रूमिंग लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज देखने वाले हैं जिनकी मदद से आप अपनी बेली फैट, आपके जो लव हैंडल्स हैं जो यहाँ पर होते हैं, ज़्यादा बैठने की वजह से यहाँ पर बहुत सारा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है। इसके अलावा आपका जो पैल्विक रीजन है, ठीक है, आपका जो ये थोरेसिक रीजन होता है, इसको मजबूत करने के लिए, आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, बॉडी में जो ज़्यादा फैट एक्यूमुलेट है पूरी तरह से उसको कैसे ख़त्म करें, आज की योगासनास उन्हीं पर बेस्ड। दोस्तों, हमारी बॉडी में सटल फॉर्म में कई तरह के चक्रास प्रेजेंट होते हैं। चक्र, ये चक्र अगर स्टिमुलेट हो गए तो सभी तरह की फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सभी रेडिकेट हो सकती हैं हमारे शरीर से। ये चक्र वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर मेनली 7 चक्रास हैं हमारी बॉडी में, जो कि बहुत ही प्रमुख, जिनका स्थान है बॉडी में, जिनके बिना कार्य हो ही नहीं सकता। तो ये कुछ गिने चुने चक्र हैं 1 से लेके 7 तक। वेल, हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं कुछ चक्रों के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि मणिपुरा चक्र है जो कि नेवल रीजन के पास। हठ योग में ऐसा कहा गया है, और जैसा कि मेरी खुद की जानकारी है, जो मेरा रिसर्च वर्क है, मणिपुरा चक्र अगर आपका एक्टिवेट हो गया तो मूलाधार से लेकर सहस्रार का काम बड़ा आसान हो जाएगा। सहस्रार चक्र तक आज के टाइम पर, वो भी जो जो गृहस्थ आश्रम के लोग हैं वो उनके लिए बड़ा ही कठिन होता है थोड़ा, बट फिर भी अगर मूलाधार, जहाँ पे कुंडली अवेकनिंग का काम होता है, अगर वहाँ से सहस्रार तक पहुँचना है तो मणिपुरा चक्र को एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चक्र भी आपका ढंग से काम करे तो उसका असर आपकी मेंटली, आपके इमोशनल हेल्थ पर, आपके बिहेवियर में, आपके एक्सप्रेशन में, आपकी जो एनर्जी है, जो आपका पूरा आभा मंडल होता है, वो बहुत ही अलग हो जाएगा। अगर ये चक्र, जो मणिपुरा चक्र है, अगर ये एक्टिवेट हुआ तो आपकी बॉडी की एब्जॉर्प्शन एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी, फूड को एसिमिलेट करने की पावर बढ़ेगी। मणिपुरा चक्र के एक्टिवेट होने से आपका डाइजेशन अच्छे से काम करेगा, बॉडी अच्छे से प्राण, जो प्राणिक एनर्जी होती है, उसको स्टोर कर पाएगी। प्राण यहाँ पर आपकी ब्रीदिंग प्रोसेस से रिलेटेड होता है, तो प्राण को पूरी तरीके से अपनी बॉडी में कंजर्व करके रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप ज़्यादा से ज़्यादा लंबी आयु जी सकते हो। इसके अलावा अनहत चक्र होता है, जो आपके थोड़ा से क्रीजन में प्रेजेंट है, अलॉन्ग साइड योर हार्ट। इट इज़ लोकेटेड अलॉन्ग साइड योर हार्ट इन हियर, आपका जो लंग वाला एरिया है। तो ये भी अगर चक्र स्टिमुलेट होता है तो बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसके अलावा मूलाधार है, मूलाधार जहाँ बिल्कुल ही आपका बॉटम एरिया होता है आपकी, और जहाँ पे आपके सभी पैल्विक रीजन का जो एरिया होता है, जहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। कभी इससे भी रिलेटेड मैं डिटेल आपके लिए योगिक उच्च आसनास लेकर आऊँगी, और इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन होगा चक्रास के बारे में। फिलहाल के लिए हम वो कुछ योगासनास करेंगे जिनकी मदद से आप इस सभी चक्र एक्टिवेट कर सकें और एक बहुत ही सहज तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। अब ये क्या है योगासनास, हम जरूर देखेंगे, लेकिन एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, वो आसन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ सटल एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके लिए आपको सुखासन में बैठ जाना है, या सिद्ध आसना या सिद्ध योनि आसना में बैठना होगा। आपके फीट के जो टोज़ हैं, ये टोज़ आपको यहाँ फंसाने हैं, आपकी थाई वाला जो रीजन है यहाँ पर, थाइज और आपके काफ के बीच में, ठीक है, ऐसे ये वाला यहाँ पर आएगा, कुछ इस तरह से आपको बैठ जाना है। अगर ऐसे भी नहीं, इसके अलावा वेरिएशन दूसरी है, वो है पद्मासन। आप पद्मासन में ही बैठ सकते हैं, मैं पद्मासन कर सकती हूँ इसलिए मैं पद्मासन में बैठ रही हूँ, आप चाहे तो सुखासन भी बैठ सकते हैं, जैसा कि शुरुआत में आपको मैंने बताया था। सबसे पहले हम ब्रीदिंग प्रोसेस को रिदमिक करेंगे, सो लेट्स इनहेल एंड नाउ एक्सहेल। वेल, दिस इज बीइंग डन नाउ। वेल, अब इसके बाद आपको आ जाना है वज्रासन में, वज्रासना और द थंडर बोल्ट पोज। वज्र नाड़ी जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स के लिए, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, वज्रासन में आपकी जो कमर है
आपका जो पैल्विक रीजन है वो स्वाभाविक रूप से स्ट्रेट रहता है, सीधा रहता है। ये पोस्चर भी डेवलप करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। यू हैव टू क्लास्प योर फिंगर्स, पाम्स फेसिंग इनवर्ड्स, टचिंग योर बटक्स, एंड नाउ जस्ट इनहेलिंग, रेजिंग योर बोथ आर्म्स एंड एक्सहेलिंग, टचिंग योर फोरहेड टू द फ्लोर। नाउ ब्रीद नॉर्मली। ना हो सके इस स्थिति में बने रहें, इससे आपके कंधे मजबूत होते हैं, आपके जॉइंट्स जिन्हें रूमेटिस अर्थराइटिस है, रूमेटिज्म, जिन्हें रूमेटिज्म संबंधित कोई प्रॉब्लम्स है, जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। आपके कंधे मजबूत होंगे, कंधे की जो गोलाई है वो खत्म होगी, कंधों का आकार सुधरता है। और ना सिर्फ कंधों का आकार सुधरेगा, वहाँ की बड़ी हुई चर्बी भी घटेगी। एक ये गुड स्ट्रेच मिलेगा आपके आर्म्स, फोर आर्म्स, आपकी पूरी आर्म को। इसके अलावा आपका पेट, नो एक्सहेलिंग। नाउ गाइस, जो अपना नेक्स्ट आसना है वो है स्नेक पोज और या फिर सर्पासन। स्टैंडिंग ऑन योर नीज, जस्ट पुटिंग योर पाम्स फॉरवर्ड एंड नाउ जस्ट लाई डाउन, अपने पेट के बल लेट जाइए। और इसमें आपको क्या करना है, अपनी ठुड्डी को सामने रखते हुए अपने हाथों को नीचे, अपने दोनों हाथ, दोनों फिंगर्स को क्लास्प करके कुछ इस तरीके से ब्रीथ नॉर्मली। नाउ रेजिंग योर हेड, इनहेलिंग, जस्ट स्ट्रेच योर आर्म एज बैकवर्ड स्टिचिंग एज मच एज यू कैन, फीलिंग एज इफ योर होल बॉडी इज स्ट्रेचिंग बैकवर्ड्स। नाउ ब्रीद नॉर्मली, डोंट ट्राई टू फोर्स इट, एंड ब्रीद नॉर्मली। होल्ड इट फॉर 3 to 5 seconds इफ यू कैन, होल्ड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। नाउ कम, नाउ अगेन रिलीजिंग योर फिंगर्स, पुटिंग योर पाम्स डाउन टू द फ्लोर। नाउ गाइस, कम इन द स्फिंक्स पोज। दिस इज द स्फिंक्स पोज। जिनको स्पाइनल संबंधी कोई प्रॉब्लम है, जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन नहीं है, उनके लिए आसन बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा है। उनके लिए आसन बहुत ही बढ़िया है जिनकी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन नहीं है। आप अपनी स्पाइन को, आप अपनी स्पाइनल जो वर्टिब्रे है उनकी नसों। नाउ वी आर गोइंग टू डू भुजंग आसना, वॉट वी कॉल्ड द कोबरा पोज। पुटिंग योर पाम्स इन अलाइनमेंट विद योर चेस्ट। Now inhale, facing the ceiling, facing the wall ceiling. अगर ज़्यादा देर तक इस आसन में हैं, आप इस स्थिति में हैं, तो श्वसन आपको सामान्य रूप से करना है। इस आसन के वेरिएशन भी करेंगे हम। एक तो ये सीधे हो गया, एक ऐसे हो गया है। इसमें आपके जो आर्म्स हैं, आपकी फोर आर्म्स हैं, उनकी मसल्स को मजबूत करने में, आपकी भुजाएं जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। इसकी वेरिएशन है एक तिर्यक भुजंगासना, व्हाट वी कॉल दिस स्पाइनल दिस ट्विस्टिंग भुजंगासना, वी कैन से ट्विस्टिंग कोबरा पोज। आपको इनहेल करते हुए कुछ देर अपनी ब्रेथ को होल्ड करते हुए इस वाले पैर को देखना है, यहाँ से, दिस वन, यू हैव टू सी दिस वन। देन अगेन रिलीजिंग ब्रेथ, इनहेलिंग, होल्ड योर ब्रेथ फॉर सम टाइम एंड लुकिंग एट देयर। यू हैव टू डू दिस फॉर इट, कंसंट्रेटिंग ऑन मणिपुरा चक्र।
और स्वाधिष्ठान चक्र विच इज लोकेटेड अबाउट मूलाधार चक्र। दिस ट्विस्टिंग आसना इज वेरी बेनिफिशियल फॉर स्टिमुलेटिंग योर इंटेस्टाइन। नाउ वी आर गोइंग टू डू अर्धचंद्र आसना, हाफ मून पोज। नाउ पुटिंग योर राइट लेग फॉरवर्ड, जस्ट डूइंग लाइक दिस, यू टू पुट योर चेस्ट ऑन टू योर थाई एंड जस्ट एक्सहेल एंड जस्ट फेस ओवर द वॉल सीलिंग। ब्रीद नॉर्मली, रेज योर हैंड्स, इनहेलिंग रेज योर हैंड्स एंड नाउ जस्ट डूइंग लाइक दिस। नाउ जस्ट ब्रीद नॉर्मली, कंसंट्रेटिंग ऑन विशुद्धि चक्र। कमिंग बैक टू द सेम पोजिशन। नाउ वी हैव टू इन फर्स्ट इनहेल एंड देन एक्सहेल। टू गोइंग टू डू कैमल पोज। द फर्स्ट वेरिएशन इज अब कुछ इस तरीके से इस पोजिशन में आना है, दिस वन कुछ इस तरीके से। नाउ इनहेल टचिंग योर हील, होल्डिंग योर ब्रेथ फॉर सम टाइम एंड देन रिलीजिंग। होल्डिंग योर ब्रेथ एंड देन रिलीजिंग। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज टचिंग बोथ योर हील्स। हियर यू हैव टू ब्रीद नॉर्मली बिकॉज योर चेस्ट इज ऑलरेडी एक्सपेंडेड। कंसेंट्रेटिंग ऑन विशुद्धि चक्र। Again releasing like this slowly and slowly, you don't have to jerk your body। जब आप ऐसे रिलीज होते हैं ना तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपने हेड को उठाना है, उसके बाद फिर हाथ को ऐसे एंड देन ऐसे। नाउ गाइज अवर लास्ट आसना, इन दिस आसना यू हैव टू कंसेंट्रेट ऑन योर कोर, यू हैव टू कंसेंट्रेट ऑन योर स्वाधिष्ठान चक्र एज वेल विच इज लोकेटेड अबव मूलाधार चक्र। So for this, you have to come onto your knees. Again, you have to come onto your knees. And during this, you have to put your palms forward and bending your knees, come to this position. You have to breathe normally throughout this asana. Try to hold as much as possible according to your capacity. Try to touch your heels onto the ground, concentrating on your core, clasping your abdominal muscles, not clasping, contracting your abdominal muscles, now again bending your knees, coming to the Vajrasana and again। सो गाइज ये थे आज के वो आसनास जिनकी मदद से आप बेली फैट से लेके आपके पैल्विक रीजन एंड योर होल बॉडी कैन बी रिजुविनेटेड। आज के वीडियो से संबंधित कोई सवाल, वीडियो आपको कैसा लगा आप अपनी राय रखें, आप अपने कमेंट करके मुझे आप बता सकते हैं। चैनल पर नए हैं अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर पहली काफ़ी समय से ही आप इस चैनल को देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा और भी लोगों से शेयर कीजिए व्हाट्सएप, टेलीग्राम, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जिससे और भी लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में विथ समथिंग इनोवेटिव। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।